वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं गेंद सेवैयाँ, जो बनाने में बहुत ही सिंपल और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आइए इसे बनाते हैं। सबसे लिए मैंने लिया है एक बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्च, साथ ही मैंने लिया है एक बॉइल्ड आलू। इसे मैंने अच्छे से उबाल के रख लिया है। अब हम इसका छिलका उतार के इसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा घी। घी के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, एक पिंच हींग, थोड़ा सा साबुत धनिया, चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें सभी जो सब्जियां हैं वो ऐड करेंगे। प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटर हम अभी नहीं डालेंगे। मैंने अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। ये देखिए, ये जो है वो थोड़ी थोड़ी पक चुकी हैं। अब इसमें हमने जो उबाला हुआ आलू था हमारे पास, हम वो इसमें डालेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, क्योंकि जो टमाटर होता है वो बहुत ही जल्दी पक जाता है। हम इसमें सभी मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। ये देखिए, ये अच्छे से पककर बिल्कुल तैयार है। अब हम एक और कढ़ाई लेंगे, उसमें मैंने एक जग पानी डाला है। इस पानी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये देखिए, हमारा जो पानी है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमारी जो सेवैयाँ हैं वो डालेंगे।
इन सेवइयों में हम एक चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसे सॉफ्ट होने तक के लिए उबालेंगे। ये देखिए हमारी जो सेवइयाँ हैं वो सॉफ्ट हो चुकी है बिल्कुल। अब हम इसको पानी से अलग कर लेंगे। इसका पानी अलग करने के लिए मैं इन सेवइयों को एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने इन्हें निकाल लिया है। अब इन सेवइयों को हम एक कढ़ाई में डालेंगे। अब इसमें हमने जो मसाला तैयार किया था वो हम इसमें डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल नमकीन सेवइयाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है।